देश भर में बढ़ रहे साइबर अपराधों को लेकर बैंक सुरक्षा व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधिकारियों ने समस्त बैंक के मैनेजर के साथ परिचर्चा बैठक आयोजित की गई थी। इस दौरान साइबर ठगी और बैंकों की सुरक्षा कमी को लेकर कैसे दूर किया जाए, यह खास चर्चाएं पर बात हुई है। टेक्नोलॉजी के साथ हमारे आम जीवन में कई चीजें आसान हो चुकी है, वहीं दूसरी ओर इसके दुष्परिणाम के साथ साथ साइबर क्राइम के चलते कई लोग इसका शिकार हो जाते हैं। और ऐसे में देखा गया है कि साइबर फ्रॉड चंद मिनटों में ही बैंकों के ट्रांजैक्शन हो जाते हैं। ऐसे में कैसे इन्हें रोका जा सके, बैंक कस्टमर की गोपनीय जानकारी कैसे लीक होती है, ऐसे निपटने के लिए कई तरह की चर्चाएं की गई है। अक्सर बैंक द्वारा कस्टमर का क्रेडिट कार्ड, पैन कार्ड, तमाम डाटा जो साइबर ठगों तक पहुंच जाता है, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। साथ ही बैंकों में किसी भी संदिग्ध व्यक्ति पर हमेशा निगाह रखी जाए। बैंक का सिक्योरिटी अलार्म समय समय पर ऑडिट कर चेक किया जाए। और वही चंद रुपयों के लालच में निचले स्तर के एम्प्लॉय कई बार डाटा लीक करते हैं, ऐसे में उनका ध्यान रखा जा सके और हर एटीएम पर सुरक्षा कर्मी मौजूद होना अनिवार्य है। बैंक में अगर किसी फरियादी का ट्रांजैक्शन साइबर ठग द्वारा किया गया हो तो उसे रोकने का कैसे प्रयास किया जाए, ऐसे में कई सारे मुद्दे थे, उसी को लेकर चर्चाएं की गई है। बैंक एक पुलिसिंग के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन होता है, वहाँ पैसे का लेन देन होता है, पैसा का स्टोरेज रहता है। इसके लिहाज से इनसे बात की गई है और इनका जो सिस्टम रहता है उसको समझने का प्रयास किया गया और पुलिस की जो प्रत्याशाएँ बैंक से हैं उसके लिए इनको बताया गया। बैंकों की जो प्रत्याशाएँ पुलिस से वो सुनी गई और ये बैठक का मूल उद्देश्य यही था कि बैंक के जो अधिकारी हैं, थाना के जो लोग हैं उनको जान सके, थाने वाले उनको जान सके। कैमरे इत्यादि लगाने के संबंध में भी चर्चा होगी, जिसमें सभी लोगों ने सहमति दी कि बैंक और सबके बाहर भी वो कैमरे इत्यादि इंस्टॉल करेंगे। इसके अलावा जो प्रोटोकॉल हैं बैंकों के सुरक्षा के संबंध में उसका भी वो लोग पालन करेंगे। निश्चय ही डाटा का ब्लॉक ढंग से लोग प्राप्त करके उसका उपयोग करते हैं, जिसकी वजह से अन्य साइबर फ्रॉड के संबंध में भी सभी को अवेयर किया गया है कि वो अपना जो भी नियम है, चेक बैलेंस है, उसका ध्यान रखें और ऐसे ना होने दें, क्योंकि एक सिंपल डाटा गलत व्यक्ति के हाथ में जाने से वो कितने लोगों को फ्रॉड का वो बना सकते हैं गेम, इसके लिए सभी को संवेदनशील किया गया। बैंक कर्मचारियों द्वारा ज़्यादातर साइबर फ्रॉड के मामले उठाए गए जो उनके कस्टमर के या उनके स्वयं के साथ होते हैं, जिसको संवेदनशीलता से सुना गया है। और जो बाहर में ट्रेड चल रहा है वही ट्रेड है जो अपने बैंक के साथियों के साथ भी हुआ है, उसमें क्या सावधानी रखनी चाहिए और कैसे हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, पुलिस का क्या पक्ष रहता है, क्या कठिनाई आती है, इन सब बात चीज़ों के बारे में सभी के साथ चर्चा की गई। फ्रॉड के नंबर को एक डाटाबेस में डालने का रहता है, जिसकी वजह से वो नंबर ब्लॉक होता है और उसका आगे उपयोग नहीं हो पाता है। तो ये एक नेशनल स्कीम है, इसके अलावा लोकल स्तर पर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि साइबर फ्रॉड को रोका जा सके।